ये देखो PSA मतलब भारत टर्मिनल। आज ये इतना तगड़ा जाम है इसका कि पूछो मत। जो भी गाड़ियां ये लगी हुई हैं, ये इनको खाली करने में कल का दिन देखना पड़ेगा। आज तो खाली होने का कोई चांस ही नहीं है, कल का भी दिन इन लोगों को लग जाएगा। हम लोग गाड़ी है जो मेडिसिन की गाड़ी है, ये डायरेक्ट जाती हैं, इसलिए हम लोग तो मान लीजिए कैसे भी करके खाली हो जाएगा। लेकिन जो बेचारे ट्राई कंटेनर लेके जा रहे हैं, इनका तो बड़ा बुरा हाल होने वाला। ओ माय गॉड, बहुत तगड़ा जाम लगा हुआ है। ये देखो आज आप लोग ये गाड़ी देख के एकदम परेशान हो जाएंगे। इतनी गाड़ियां लगती हैं, वो भी एक लाइन नहीं, ये तो कैमरे में दिख रहा है एक लाइन, बाकी कम से कम चार चार पांच पांच लाइनें लगी हुई हैं। सोचो कब का ये नंबर आएगा भाई। आज तो बहुत तगड़ा जाम लग गया। हम लोग का मेडिसिन से गाड़ी होने के कारण या नहीं रीफर गाड़ी होने के कारण हम लोगों का तो कम से कम तुरंत देखो अभी खाली हो जाएगा। मतलब हम लोग रॉन्ग साइड से हमको भेजता है। ये देखिए BMCT गेट बोलते हैं इसको। आप लोग देखते रहिए, देखिए कितना दूर तक जाम लगा हुआ है। ये देखिए जाम, देखिए ड्राइवर बेचारे कोई खाना खाया होगा, जो इस जाम में फंस गया ना तो उसको खाना मिला होगा ना पानी मिलेगा, बताओ क्या करेगा। और ये कम से कम ये गेट कम से कम 2 किलोमीटर के रेंज में है, जिसमें ना तो कोई खाना पीना या कोई होटल कुछ भी अलाउड नहीं है, जिसके कारण यहाँ बहुत तकलीफ होता है। देखिए जाम, आप लोग खुद ही देख रहे हैं, 2-3 मिनट से गाड़ी चल रही है, इसके भी बाद जाम खाम ख़त्म होने का नाम ही नहीं दे रहा है। सोचिए कि कितनी दूरी होगी। ये तो भाई ये ड्राइवर की ज़िंदगी, क्या करो, करना ही पड़ता है, पेट के लिए सब कुछ करते हैं। जाम लगा हुआ, ओ माय गॉड। आज अच्छा हुआ कि हम रिफर कंटेनर भरे हैं, नहीं तो हालत खराब हो जाती। रे बाप रे बाप, ओ माय गॉड। आगे आप लोगों को नहीं दिखा सकते, आगे सिक्योरिटी वाले हैं, नहीं तो हमको परेशान करने लगेंगे। इसके लिए अभी वीडियो यहीं पर कट करूंगा।